गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं अपन और एनवायरमेंटल स्टडीज में आज का हमारा चैप्टर है कम लेट्स प्ले गेम्स। आइए और आकर के अपन गेम खेलते हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। राजस्थान के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के गेम्स जो हैं वो खेले जाते हैं अलग अलग तरह से। मदारी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच एट्सेट्रा आर कॉमन गेम्स। और ये जो कुछ गेम्स के मैंने नाम बताए हैं ये कुछ ऐसे गेम्स हैं, ऐसे कॉमन गेम्स हैं जो अक्सर सभी जगहों पर खेले जाते हैं। चार भार, चौपड़, लायन गोट, अष्टाचंगा एट्सेट्रा गेम्स आर प्लेड इन हाउसेस और आउटसाइड होम और कोर्टयार्ड्स। और इस तरह के जो गेम्स हैं ये गेम्स कई ऐसे हैं जो कुछ घर पे खेले जाते हैं, कुछ घर के बाहर खेले जाते हैं, कुछ अलग से किसी पर्टिकुलर मैदान में या इनका जो इनकी जो जगह होती है वहाँ पर खेले जाते हैं। तो बहुत बहुत सारे वेरियस काइंड्स के ऐसे गेम्स होते हैं जो रीजन के अकॉर्डिंग भी अलग अलग होते हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल पर भी कई सारे गेम्स होते हैं ही, बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टेट लेवल पर, और ख़ासकर हमारे राजस्थान में किस किस तरह के गेम्स हैं, अलग अलग तरह के हैं। और इसके अलावा रीजन के अकॉर्डिंग भी कई सारे अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं। गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स एज इन मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति, काइट्स आर फ्लोन इन वागड़, मारवाड़ इन ढूंढाड़। और ये देखिए कि कुछ पर्टिकुलर जो फेस्टिवल होते हैं उन फेस्टिवल्स पर, त्योहारों पर कुछ खास गेमों को खेला जाता है, गेम्स को खेला जाता है। क्यों खेला जाता है, ये एक तरह का क्या होता है, कस्टम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है गेम्स खेले जाते हैं। जिससे जैसे आप देखिए कि कुछ फेस्टिवल जस्ट लाइक मेवाड़ में जब मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांति के दिन ही, मकर संक्रांति में ही क्या होता है, सितोलिया भी खेला जाता है। इसके अलावा पतंग उड़ाई जाती है वागाड़ में, मारवाड़ में, और जो ढूंढाड़ है ये हमारे राजस्थान के ही रीजन्स हैं, यहाँ में क्या होता है मकर संक्रांति के साथ साथ सितोलिया, पत्थर एक के ऊपर एक रख के जमा करके और फिर उनको एक तरीके से उन पर पत्थर दूसरा फेंका जाता है, उन्हें गिराया जाता है, इस तरह का सितोलिया गेम होता है, तो वो गेम खेले जाते हैं। और इसके अलावा देखिए आप अलग अलग कई सारे गेम्स दे रखे हैं इसमें, जस्ट लाइक टेबल टेनिस है, हॉकी है, चेस है, रेसलिंग है, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियार्ड और स्कीइंग। देखिए टेबल टेनिस में तो टेबल लगी हुई होती है और उसमें टेनिस के लिए जो बैट्स होते हैं और बॉल होती है एक छोटी सी, इस तरीके से खेला जाता है। हॉकी में हॉकी स्टिक होती है, बॉल होती है, उसको पास करना रहता है। चेस में आप जानते हैं इसे शतरंज का गेम, जिसमें चेस की कई सारी चेस की अलग अलग गोटियाँ होती है, कुछ ब्लैक और कुछ वाइट, और उनको खेला जाता है। रेसलिंग में क्या होता है, रेसलिंग में जैसे कि वो पहलवान वगैरह जो होते हैं, रेसलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रेसलिंग करते हैं। आर्चरी में निशानेबाजी, तीरंदाजी की जाती है। और क्रिकेट तो आप सभी जानते हैं, क्रिकेट में क्रिकेट खेला जाता है बैट एंड बॉल से। बिलियार्ड में एक टेबल रहती है, टेबल के अंदर जो है कुछ बॉल्स रखी रहती हैं और एक स्टिक से उनको पुश करना रहता है, एक बॉल से कई सारी बॉल्स जो हैं वो, जैसे कैरम होता है, कैरम में हम क्या करते हैं गोटियों को हाथ से करते हैं, यहाँ में स्टिक का यूज़ करके और उन बॉल्स को हॉल के अंदर फाउल करना रहता है। उसके अलावा स्कीइंग, जो आइस रीजन होते हैं, आइसी रीजन्स होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर स्केटिंग टाइप किया जाता है, ठीक है, तो वो स्कीइंग होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबाव पिक्चर, देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के कौन कौन से गेम्स जो हैं वो खेले जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है, अलग अलग इनकी डिटेल्स दी है, तो ये गेम्स जो है वो खेले जाते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन टेबल टेनिस, आप पता कर सकते हैं खुद से कि टेबल टेनिस में कितने प्लेयर्स होते हैं। उसके अलावा वैसे मोस्टली दो प्लेयर्स खेलते हैं, एक उस साइड एक इस साइड, और एक से अलावा चार भी हो सकते हैं, दो दो एक एक साइड।
विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर्स इन द ग्राउंड, कौन कौन से गेम्स ऐसे हैं आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं, आउटडोर ग्राउंड्स में खेले जाते हैं। विच गेम्स आर प्लेड इनडोर, और क्या ऐसे गेम्स हैं जो आप घर में बैठ कर के आपके कमरे में बैठ कर के भी खेल सकते हो। When more than one player play together, a feeling of cooperation develops among them, which is known as sportsman spirit. जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक साथ किसी गेम में खेलते हैं तो किस तरह की एक कोऑपरेशन की फीलिंग जो है वो उनके अंदर डेवलप होती है कि नहीं यार मुझे मेरे पार्टनर के साथ में मिलकर के खेलना है और हमें हमारी टीम को जिताना ही है, हमें विन होना ही है। तो इससे क्या होता है, एक कोऑपरेशन की, एक दूसरे को सपोर्ट करने की जो फीलिंग है वो आपके अंदर डेवलप होती है। मोस्टली यही वजह होती है गेम खेलने की, गेम वगैरह प्ले करने की, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो फीलिंग होती है कोऑपरेशन की, इसे हम कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट होती है उसके जो अंदर इस तरह का की स्पिरिट पैदा होती है कि मैं अपने साथियों को कोऑपरेट करूं, अपनी पूरी टीम को कोऑपरेट करूं और अपनी टीम को विनर बनाऊं। गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स एंड द गेम्स विच आर प्लेड इन द क्लोज एरिया और रूम्स आर कॉल्ड इनडोर गेम्स। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे गेम्स जो घर के बाहर खेले जाते हैं, बड़े सारे ग्राउंड में खेले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। जबकि ऐसे गेम्स जो घर में बैठ कर के या घर के अंदर भी आप इजीली खेल सकें, ऐसे गेम्स क्या कहलाते हैं, इंडोर गेम्स कहलाते हैं। सिंस दूरदर्शन हैज स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दीज डेज, दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर। और जब से दूरदर्शन पे कबड्डी के गेम का जो टेलीकास्ट था, लाइव टेलीकास्ट दिखाए जाने लगा, तब से ही धीरे धीरे कबड्डी का जो गेम है वो क्या हुआ, सब में पॉपुलर होने लगा। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स। इसके अलावा बच्चे आपस में भी क्या करते हैं, गलियों में कबड्डी खेलते हैं, ग्रुप बना लेते हैं दो, एक इस साइड एक उस साइड, और आपस में क्या करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। एट सम प्लेसेस दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो। कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि बच्चे आपस में ही क्या करते हैं, क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, उनकी दो टीम बन जाती है, कुछ प्लेयर होते हैं कुछ बॉलर होते हैं, अपने अपने बैट बॉल ले आते हैं, स्टाम्प वगैरह ले आते हैं और क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट इज प्लेड ऑन अ लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो। वैसे तो क्रिकेट अगर एक्चुअली खेला जाता है तो क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट हमारे प्लेग्राउंड में खेला जाता है, बड़ा सारा उसके लिए एक पिच होता है, प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे वो खेला जाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, प्ले अपनी गलियों में ही, अपने जहाँ पे भी उनको थोड़ी बहुत जगह मिलती है वहीं पर वो क्रिकेट अपनी अपने इंटरटेनमेंट के लिए खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और nowadays people have become quite aware of their health। और आजकल लोग क्या हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी अवेयर हैं, काफ़ी जागरूक बन चुके हैं। Hence yoga is also becoming more and popular। और इसी वजह से योगा जो है, अलग अलग आसन किए जाते हैं जिसमें एक्सरसाइज की कुछ थोड़े बहुत ध्यान लगाने की, मेडिटेशन टाइप जो जिसमें एक्सरसाइज की जाती है, तो ये योगा जो है वो भी क्या है, अब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा चलन में आया है। Now come, let's know some facts about yoga। तो अब आप आइए और योगा के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो मैं आपको बताती हूँ। योगा के कुछ फैक्ट्स होते हैं, वेरियस फ्रेसेस होती हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे कुछ लोग जो है सूर्य नमस्कार करते हैं और अलग अलग तरह से योगा करते हैं, तो योगा में क्या है, द ओरिजिन ऑफ योगा हैव बीन स्पेक्यूलेटेड टू डैट बैक टू प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन। जो हमारे इंडिया में जो है ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन कौन सा, वैदिक ट्रेडिशन। तो वैदिक ट्रेडिशन में क्या है कि पहले के ज़माने में इस तरीके से जो स्टेप्स की जाती थी योगा की, तो उन स्टेप्स का यूज़ करके जो है योगा किया जाता है। प्रैक्टिस ऑफ योगा इज़ मैंशनड इन द ऋग्वेदा बट मोस्ट लाइकली इट इज़ डेवलप अराउंड